सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय के तीसरे श्लोक पर कुछ कहने जा रहा हूं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद, मात्र जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी, पाही विश्वम त्वनेश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात देवता बोले कि शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो, देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। अर्थात यहां पर देवता लोग वंदना कर रहे हैं दुर्गा देवी की और कह रहे हैं हे विश्वेश्वरी, विश्वेश्वरी विश्व मतलब सब। तो जो सबका ईश्वर हो उसे विश्वेश्वरी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें सभी की ईश्वर हो और तुम्हें शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हो। यानी पीड़ा किसकी दूर होगी? जो शरणागत हो जाएगा। जब तक आप शरणागत नहीं होंगे, तो शरण में नहीं जाएंगे ईश्वर के, देवी के शरण में जब तक नहीं जाते हैं, तब तक आपकी पीड़ा दूर नहीं हो सकती है। तो उसी से कह रहे हैं कि आप के शरणागत हम हैं तो हमारी पीड़ा दूर हो सकती है। जो शरणागत नहीं होगा उसकी पीड़ा दूर नहीं होगी, जो अकड़ के खड़ा होगा उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। कह रहे कि आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, आप संपूर्ण जगत की यानी पूरे ब्रह्मांड की, जगत मतलब यहाँ पृथ्वी से नहीं रहना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड से रहना चाहिए, पूरे अस्तित्व से रहना चाहिए, संपूर्ण जगत की आप माता हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड की आप माता हैं, आप ही ने इन सबको उत्पन्न किया है। तो वही कह रहे हैं प्रसीद विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो जाइए विश्वेश्वरी, और आप पूरे विश्व की जो कि माता है, तो आप ही को पूरे विश्व की रक्षा करनी है। पाही विश्वम, तो पूरे विश्व की रक्षा करिए। तो हम ईश्वरी देवी चराचर से, तो चर और अचर यानी चलने वाले और नहीं चलने वाले, स्थिर रहने वाले और चलने वाले, ये दोनों ही जो हैं चर और अचर, इन दोनों की जो है आप ही ईश्वर हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो यह इसका अर्थ था। हरिओम।